ओबीएस कहानी नंबर 3 बाड़ारी कहानी। बहुत समय बाद संसारा विच बहुत सारे लोग रहया करो थे। सो बहुत ज्यादा दुष्ट बन गए थे। ते सब मेरे लोग इतने बुरे काम करने लगी गए थे कि सो केसरा भी डर नहीं मानो थे। इन लोग करे बुरे काम देखी के परमात्मा ने एक फैसला किया कि मैं ये पूरा संसार बाड़ा साथे नष्ट कर देना। पर परमात्मा नूहा ते बहुत खुश था। नूह एक धर्मी आदमी था जो दुष्ट लोगों विच रहया करो था। इस खातर परमात्मा ने इस बाड़ा के बारे च नूह के बताया कि मैं एक बहुत बड़ी बाढ़ भेजी के ये पूरा संसार नष्ट कर देना। इस खातर तिने नूह के एक बहुत बड़ी किश्ती बनाने खातर बोलिया। फिर परमात्मा ने नूह के बोलिया कि तू इस नापरे अनुसार लकड़ी की एक बहुत बड़ी किश्ती बना और तीजरी लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर और ऊंचाई 13.5 मीटर होनी चाहिए। और तू तीजी बीच एक खिड़की, एक दरवाजा, छत और तीजरे अंदर 3 कमरे बना। इस किश्ती ने तेरी, तेरे परिवार की और जमीन पाते रहने वाले हर तरह के जानवर की इस बाड़ा ते रक्षा करनी। नूहा ने परमात्मा का आदेश मान्या। नूहा ने और तेसरे तीनों पुत्ता ने बिल्कुल तेड़ी किश्ती बनाई जिड़ी परमात्मा ने तिना बताई थी, क्योंकि इस किश्ती बहुत बड़ी थी। इस खातर तीजी बनाने के कई साल लगे। नूहा ने लोगों के आने वाली बाड़ा के बारे चेतावनी दे के बोलिया कि परमात्मा पांदे भरोसा करो, पर लोगों ने नूहा की गल्ला का भरोसा नहीं किया। परमात्मा ने नूहा के आदेश दिता कि तू आपी खातर, अपने परिवार खातर और जानवर खातर पूरा खाना इकट्ठा कर ले। जब सब कुछ तैयार होगा तो परमात्मा ने नूहा के बोलिया कि तेरा, तेरी घरवाली रा, तेरे तीनों पुत्रा और तेरे तीनों बहुआ रा, कुल मिलाई के 8 लोगों रा अंदर किश्ती विच जाने का समय होगा। परमात्मा ने हर तरह के नर्मादा जानवर और हर तरह के नर्मादा पंछी नूहा के भेजे ताकि सो किश्ती विच जाई सको और बाड़ा ते बचाए जाई सको। परमात्मा ने 7 एड़े नर्मादा जानवर भेजे जो बलि चढ़ाने खातर उपयोग किए जाई सको। जब सो सब किश्तिया विच चढ़ी गए तो परमात्मा ने आपी किश्ती का दरवाजा बंद करता। तब बरखा लगनी शुरू होगी और बरखा बिना रुके 40 दिन और 40 रात तक लगातार होंगी रही। धरती के अंदर से भी पानी फुट फुट के निकलने लग्या। सारे संसार की हर चीज पानी विच डूबी गई, बल्कि उच्चे तो उच्चे पहाड़ भी पानी विच डूबी गए। सुक्की जमीन पंदे रहने वाली हर एक चीज मर गई, पर जो लोग और जानवर किश्तिया विच थे सो बच गए। से किश्ती पानी पंदे तैरती रही और किश्ती के अंदर हर एक चीज परमात्मा ने डूबने से बचाई ली। बरखा बंद होने के बाद से किश्ती 5 महीने तक पानी पंदे तैरती रही और तेसा में पानी भी थोड़ा कम होने लग रहा था। तब एक दिन से किश्ती एक पहाड़िया पंदे जाकर ठहरी गई, पर धरती पंदे एबू भी बहुत सारा पानी था। 3 महीने बाद थोड़ी थोड़ी पहाड़ियां दिखने लगी थी। फिर और 40 दिन बाद नूहा ने एक काओ ये देखने खातर बारे भेजा कि पानी सूखा या नहीं। से काओ सुक्की जमीन टोलता हुआ और पूरे उड़ता रहा, पर इसके केथी भी सुक्की जमीन नहीं मिली। फिर नूहा ने एक कबूतरी बारे भेजी, पर इस कबूतरी आखिर केथी सुक्की जमीन नहीं मिली। इस खातर से कबूतरी नूहा के वापस आएगी। 1 हफ्ते बाद नूहा ने से कबूतरी फिर बारे भेजी और से कबूतरी संज के समय अपनी चूंजा बिच जैतूना एक नया पत्ता ले के वापस आई। पानी कम होने लग रहा था और डाल बूट फिर उगने लग रहे थे। नूहा ने 1 हफ्ता और इंतजार किया और तीजी बार से कबूतरी बारे भेजी और इस बार ते इस कबूतरी आखिर ठहरने खातर सुक्की जमीन मिल गई थी और से वापस नहीं आई, पानी सूखने लग रहा था। 2 महीने बाद परमात्मा ने नूहा के बोलिया, एब तू, तेरा परिवार और सारे जानवर किश्ती बीच से बाहर आई जाओ। परमात्मा ने तिना के आशीष दी कि बहुत सारे बाल बच्चे पैदा करो और पूरी धरती पंदे फैल जाओ। तब नूह, तेसरा परिवार और सारे जानवर किश्ती बीच से निकल के बाहर आए। नूहारे बाहर आने के बाद सभी से पहले तिने एक वेदी बनाई और बलि खातर उपयोग किए जाने वाले जानवर बीच से कुछ जानवर लेके परमात्मा के बलि चढ़ाई और तेसरी आराधना की। परमात्मा तेस बलि से बहुत खुश हुआ और तिने नूह और तेसरे परिवार के आशीष दी। परमात्मा ने बोलिया, हाँ वादा करूँ है, हालांकि आदमी अपने बचपन से ही पापी है, मैं कभी भी आदमी के जरिए किए जाने वाले बुरे काम के कारण जमीन के श्राप नहीं देना और ना मैं इसे बाड़ा साथे नष्ट करनी। आदमी अपने बचपन से ही पापी है। फिर परमात्मा ने अपनी वाचा का निशान मेघधनुष बनाया। जब कभी भी आसमान बीच मेघधनुष दिखाई दे तो परमात्मा याद करो कि मैं क्या वादा किया था और तीए तेसरे लोग भी याद करो कि परमात्मा ने क्या वादा किया था।